तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। तो ओके गाइस, अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं हनुमंत धाम और यहां से हम लोग करते हैं अब एंट्री। तो कुछ इस तरीके का गेट है, मस्त देन एंट्री करते ही यहाँ पे सबसे प्यारी प्रतिमा गणेश जी की शुभारंभ। सो गाइस, मेन यहाँ पे है हनुमान जी की मूर्ति। तो चलिए हम भी दर्शन वगैरह कर लेते हैं, देन उसके बाद में फिर मिलते हैं कुछ देर में। चलिए गाइस, अभी यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे तरफ यहाँ से घूम के जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। चलिए गाइस, हो गए दर्शन वगैरह। तो गाइस एक चीज और है, आप लोगों को अगर लग रहा है कि हम जा रहे हैं सीधा वीडियो शूट कर ले रहे हैं और दर्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं है। पहले हम दर्शन कर रहे हैं उसके बाद में वीडियो शूट कर रहे हैं। अंदर जाना है, उनके सामने अपने आप को समर्पित कर देना है, आंख बंद करके हाथ जोड़ के उनको ध्यान करना है, उनका चिंतन करना है, जो भी है अपनी बातचीत करनी है करके, देन उसके बाद में फिर आपको जैसे हम लोग पीछे चल के आते हैं ना, मतलब उनको पेट दिखा के कभी भी मंदिर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मंदिर से जब भी निकलो उल्टे पैर निकलो, उनकी तरफ मुंह कर कर, ऐसा ना लगे कि यहाँ तुम किसी को पेट दिखा के जा रहे हो। बस यही सब चीजें हैं। और कभी भी आप लोग एक चीज और गलती करते हो, कहीं भी मंदिर जाते हो तो भगवान की तरफ ऐसे पीट करके और सेल्फी वगैरह लेने लग जाते हो, फोटो लेने लग जाते हो, जो कि गलत है। कभी भी आप मतलब उनको पेट दिखा के नहीं, आप उनके तरफ चेहरा करके, उनकी तरफ अपना फेस अपने आप को कर करके आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। बाकी उनको पेट दिखा करके नहीं करिए ये चीज़ें, आपको चीज़ें ध्यान रखिए और छोटी छोटी गलतियां करने से बचिए। तो चलिए गाइस, अभी यहाँ का ऊपर का व्यू दिखा दिए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अंदर का नज़ारा आपको पूरा दिखाते हैं और फिर कुछ देर में मिलते हैं। चलिए गाइस आगे तरफ बढ़ते हैं। और ये शायद यहाँ पे भजन कीर्तन करने के लिए, बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए, बाकी कुछ बहुत ही अद्भुत सा ही नज़ारा आता है यहाँ का। उधर हमने दे लिया था पहले ही जाके दर्शन वगैरह हम लोग कर लिए थे, लेकिन दोबारा हम लोग को, हमने सोचा आप लोग को दिखाना है तो दोबारा गए थे शूट करने के लिए। यहाँ पे माता जी की प्रतिमा, तो लोग चलते हैं नीचे की तरफ। सो गाइस फाइनली अभी अपन लोग आ चुके हैं नीचे की तरफ बाहर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके माता सरस्वती, लिटरी गाइस एक चीज आपको मैं बताऊं, अभी जो इधर साइड का पूरा पत्थर है, हम लोग उधर अभी टहल रहे थे, इतना ज्यादा गर्म है पत्थर धूप की वजह से, तो पूरा पैर एकदम जल रहा है, पूरा पूरा पैर। और अभी हम लोग यहाँ से चढ़ के, बस ये यहाँ से, ये जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं यहाँ से हम लोग आए हैं, यहाँ गर्म ही नहीं है पत्थर, मतलब अलग ही सीन है गाइस, पूरा यहाँ पत्थर मतलब गर्म ही नहीं है। वो रही मेट्रो जा रही, इधर है पूरा मेट्रो वाला पुल और इधर का पूरा ये नज़ारा। उधर साइड आपका गाइस पड़ जाता है हनुमान सेतु एंड उधरी साइड आपका पड़ता है खाटू श्याम। चलिए गाइस हम लोग भी चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, पूरा आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी आप लोगों ने दर्शन वगैरह कर लिया है, अब बस अंदर हनुमान जी का दर्शन, पुराना वाला मूर्ति रह गया है। वाह क्या स्पीकर लगे हैं, चलो आगे तरफ चलते हैं गाइस। लेकिन गाइस एक बात नहीं समझ में आ रही, यहाँ पे आखिर ये हुआ क्या है, क्या करने वाले इस नदी को सुखा करके? देख रहे हो गाइस पूरा पानी सुखा दिए इसके अंदर का, अब इनको झूलना सवार हुआ है। कसके झुलाओ। ये गा
फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। पवन तुम्हें सैया के चरण अरियन में बहार तुम्हें से है, सब तुम्हें से है, तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। गाइस आज बताएं सही बताएं तो मजा कम आ रहा है क्योंकि इस साले को पता नहीं कौन सा बाबू का भूत सवार है। साले है पता नहीं, भक्ति 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 में खुशी मिलती है, खुशी तो मिल ही रही है, वो खुशी ना है आनंद हो रहा, कुछ बोल नहीं रहा, बता रहा आनंद हो रहा। देख रहे हो आपको लगा है कहीं तो ये इसको देखो कहीं कुछ लग रहा है। सो गाइस फाइनली इधर का पूरा शूट वगैरह कर लिए हैं, अब हम अपन लोग चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ क्योंकि उधर को दो तीन चीजें हैं जो कि आपको दिखाने का है। उधर का मेन ये है ना कि थोड़ा सा गार्डन टाइप का बना हुआ है जिसमें कि अगर आप फैमिली वगैरह के साथ में आते हो या दोस्तों के साथ में आते हो तो यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रीट फूड खाने को मिल जाएगा, पानी वगैरह पीने का, या अगर आप घर से ही टिफिन पैक करके लाए हो तो उसको यहाँ पे बैठ करके खा पी सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। इधर साइड आपका वो बना हुआ है और इधर साइड आपका लग जाता है शनि जी का प्राचीन शनि देव मंदिर जो कि उधर से एंट्री होता है और इधर से भी बंद हो चुका है। पहले इधर से जाने आने का रास्ता था लेकिन अब नहीं है। किधर हो गाइस? ये इधर किधर बाबू बता रिया, ए गंदी बात नहीं। चलो गाइस इधर का ज्यादा नहीं दिखाएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा ऑलरेडी लंबा हो चुका है, आप लोग आके खुद यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से अंदर की तरफ से बाहर, तो लेट्स गो। और ये वाली प्रतिमा तो आपने बहुत ही जोरों शोरों से वायरल होती हुई देखी होगी जहाँ पे हनुमान जी ध्यान लगा कर बैठे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर सा नजारा आता है। रात में इसमें से लाइट जलती है तो और भी बेहतरीन लगता है गाइस। ये बात गाइस इधर से अभी हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे। सो गाइस एक चीज आपको बताएं कि ये जो मेन अभी हम आपको दिखाने दे रहे हैं मेन हनुमंत धाम का मंदिर यही है, पुराना वाला, सबसे पुराना, बहुत पुराना, सबसे पुराना। और ये जो आप ये सब देख रहे हो ये अभी जल्दी ही बना है, 2 साल हुए, 2-2.5 साल हुए हैं। बाकी जो मेन मंदिर है वो इसके अंदर है गाइस, अंडरग्राउंड में, तो वो आपको दिखा देते हैं। ये है सबसे पुराना मंदिर। चलिए गाइस हम भी दर्शन वगैरह कर लेते हैं, हनुमान चालीसा एक बार तो पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे बाहर की तरफ। यहाँ से ही रास्ता आपका बाहर की तरफ निकल जाता है, तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके गाइस तो अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। एक चीज और है गाइस, अगर आप मतलब वीडियो वगैरह शूट करने आते हैं या फोटोज क्लिक करवाने आते हैं तो उतना अच्छे से दर्शन वगैरह नहीं हो पाता है क्योंकि मन फिर उसमें लगा रहता है। तो आप कभी भी आए तो उतना ज्यादा फोन वगैरह का पहले जो चीज करने है मतलब कि सबसे पहले आओ दर्शन वगैरह करो और अच्छे से एकदम भरपूर मस्त एकदम उनको ध्यान करो। ये सब करने के बाद में अगर आपको फोटो वगैरह क्लिक करनी है तो कर सकते हो, वीडियो वगैरह शूट करना है कर सकते हो, तो लेकिन जो मेन मोटिव है ना वो चीज रखो, सबसे पहले दर्शन फिर बाद में कुछ। हाँ ये नहीं आते फोटो वगैरह क्लिक करने, दोनों एक साथ ना करो ठीक। चलिए गाइस अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल आए हैं। चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। एंड अगर आपको और भी इससे ज्यादा कहीं की वीडियो वगैरह चाहिए और भी चीजें हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए गाइस बाय।